नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। राज्यपाल कोटे से 12 सीटों पर मनोनयन पर कांग्रेस एमएलसी ने उठाया सवाल, कहा अपने लोगों को विधान परिषद में सेट करना चाहती है जेडीयू बीजेपी। बिहार चुनाव के रन में उतरने से पहले तेज प्रताप पहुंचे मथुरा, राधे की नगरी में तेजस्वी के लिए मांग रहे मुराद। सरकार का बड़ा फैसला, सीओ समेत 402 अफसरों के तबादले पर रोक, अब सीएम नीतीश देखेंगे पूरी फाइल। अगले सप्ताह पटना एम्स में भी होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से 12 सीटों का चयन होना है, इसको लेकर बिहार में सियासत तो शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मनोनयन पर बड़ा सवाल उठाया है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि 12 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा चयन होना है, लेकिन इसके लिए एनडीए में ही खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने एक बयान जारी करके यह कहा है कि विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन होना है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में खींचतान शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगर 12 सदस्यों के मनोनयन की सिफारिश बिहार कैबिनेट करती तो संविधान के द्वारा निर्देशित है कि उसके पालन को यह सुनिश्चित करे। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि संविधान में उल्लेखित प्रावधान के मुताबिक ही मनोनयन होना चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का ब्रज से लगाव किसी से छुपा नहीं है। पिछले करीब 7 दिनों से तेज प्रताप यादव ब्रज में रहकर ही राधा कृष्ण के दिव्य क्रीड़ा स्थलों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव में राजद की सरकार बन सके उसके लिए पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। धोती कुर्ता धारण करके माथे पर वैष्णव तिलक लगाकर तेज प्रताप यादव कस्बे के बरेली वाली धर्मशाला में रुक रहे हैं। इस दौरान वे ब्रजेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव, धीर कदम, यशोदा कुंड, पावन कुंड, वृंदा देवी, वृषभान कुंड, प्रिया कुंड, माताजी गौशाला, मोरकुटी, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में गंग राज द्वारा स्थापित माता अंजनी का मंदिर, झिरका फिरोजपुर स्थित झिरका महादेव मंदिर गए और वृंदावन के यमुना तट पर जल विहार किया। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आदि अफसरों के हुए तबादले पर रोक लगा दी गई है। विभाग को निर्देश दिया गया है कि तबादले की फाइल पूरे ब्यौरे के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने तबादले की अधिसूचनाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है। उन्होंने साफ किया है कि तबादले में कार्यपालिका नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है। औषधि महानिदेशक की अनुमति के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अगले सप्ताह से कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होगा। पटना एम्स की तरफ से इस बात को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। ICMR और भारत बायोटेक की साझेदारी से तैयार इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा है। अब इसके मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि शनिवार को संबंधित कंपनी एवं विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा होगी, इसके बाद वैक्सीन आएगी। दवा की डोज देने से पहले डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, इसका बाद ट्रायल आरंभ होगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान,
बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिन दहाड़े पटना में PNB बैंक लूटकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटकांड में पकड़े अपराधियों के सरदार अमन ने बताया कि बैंक से इन लोगों ने 52 लाख नहीं बल्कि 46 लाख ही लूटे थे, लेकिन बैंक ने 52 लाख की लूट का दावा किया था। अमन ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि लूट की रकम को गिनती करके नहीं बल्कि बंडल के हिसाब से आपस में बांट लिया था। इसमें अमन को 23 लाख, प्रफुल्ल को 2 लाख, सोनेलाल को 7 लाख, हरि नारायण को 3 लाख, लाइनर गणेश को 2 लाख रुपए मिले थे, जबकि 9 लाख फरार तीनों अपराधियों के पास है। बिहार में मौसम के लगातार बदलते मिजाज से कई लोगों की जान जा चुकी है। आज एक बार फिर से आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना में वज्रपात होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पटना के पालीगंज में कुछ देर में वज्रपात की आशंका जताई है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने इस इलाके के लोगों से सचेत रहने को कहा है। बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही भारी बारिश और वज्रपात से कई लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बिहार में कई जिलों में बारिश और वज्रपात की खबरों के बीच आज एक बार फिर से मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार में कोरोना वायरस का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी पटना भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सावन के महीने में शिव मंदिरों में उमड़ने वाली अपार भीड़ को रोकने के लिए मंदिरों को बंद करने का फैसला किया है। पटना जिले में जितने भी शिव मंदिर हैं और जहां सावन में मेला, जलाभिषेक और कांवर यात्रा का आयोजन किया जाता है, ऐसे सभी मंदिरों को जिला प्रशासन ने 4 अगस्त तक बंद कर दिया है। इसको लेकर दिशा निर्देश बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया। 6 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है। सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ साथ जलाभिषेक करने के लिए पटना के तमाम शिव मंदिरों में पहुंचते हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कोरोना अब तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 11,000 के पार चली गई है। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के DGP ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है। DGP गुप्तेश्वर पांडे ने एक बार फिर से फेसबुक के जरिए बिहार के लोगों को कोरोना से बचने की अपील की।
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अनलॉक 2 का मतलब यह नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। एसपी लिपि सिंह ने पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सूचना मिली है कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर गांव में कैला यादव के गोदाम के पास कुछ अपराधियों का जमावड़ा है। इसी सूचना के आधार पर एएसपी हरिशंकर कुमार के नेतृत्व में 2 छापामारी दल का गठन किया गया। एएसपी के नेतृत्व में गठित टीम में कासिम बाजार थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार और SIOU प्रभारी इंस्पेक्टर विनय सिंह शामिल थे। जिला सूचना इकाई की टीम भी कार्रवाई में शामिल थी। दोनों टीमों द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। हेडलाइन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।